आपने कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज अवश्य किया होगा। कंप्यूटर में आपने सी ड्राइव को अवश्य देखा होगा। सभी कंप्यूटर में ड्राइव हमेशा सी से शुरू होती है। आप चाहे कोई भी नई हार्ड डिस्क में विंडो का इंस्टॉल करें, उसमें भी ड्राइव सी से शुरू होगी। तो दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठता होगा कि इसका नाम ए या बी से क्यों नहीं आरंभ होता है, कंप्यूटर में ड्राइव का नाम सी से ही शुरू क्यों होता है। इसके बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से बता रहे हैं। तो दोस्तों, पुराने समय में कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का स्टोरेज डिवाइस प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कि उस समय के कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा को सेव नहीं किया जा सकता है। उस समय यदि आपको कंप्यूटर चलाना होता था तो आपको फ्लॉपी डिस्क का उपयोग करना होता था। बिना फ्लॉपी डिस्क के कंप्यूटर रन नहीं हो सकता था, इसलिए उस समय कंप्यूटर का सबसे पहला स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क था, जिसका नाम ए रखा गया था। इसके बाद टेक्नोलॉजी में विकास हुआ और एक नई फ्लॉपी डिस्क का निर्माण किया गया, जिसका नाम बी ड्राइव रखा गया। इन दोनों फ्लॉपी डिस्क को चलाने के लिए दो अलग अलग ड्राइव बनाई गई, उसका नाम ए और बी रखा गया। फ्लॉपी में अधिक डेटा नहीं रखा जा सकता था और जो रखा जाता था वह सिक्योर नहीं रहता था, अंततः डेटा डिलीट या खराब होने की संभावना अधिक रहती थी। वर्ष 1980 के बाद हार्ड ड्राइव में डेटा सेफ रहने के कारण अधिक प्रसिद्ध होने लगे। इसमें अधिक डेटा भी स्टोरेज किया जा सकता था। इसके बाद एक्सटर्नल डिवाइस और पेन ड्राइव इत्यादि बाजार में उपलब्ध होने लगी। ए और बी ड्राइव को पहले ही सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व हो चुका था, इसलिए हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क के लिए सी का निर्माण किया गया। इसी कारण से कंप्यूटर में जो भी विंडो इंस्टॉल की जाती है वह हमेशा सी ड्राइव में ही इंस्टॉल हो जाती है, इसलिए इस समय कंप्यूटर की पहली ड्राइव का नाम सी ही होता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि सभी कंप्यूटर में ड्राइव हमेशा सी से ही क्यों शुरू होती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी यह शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई जानकारी के साथ नई वीडियो आने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो सके। आपको जय हिंद, जय भारत। आपका धन्यवाद।